जीत का एकमात्र त्योहार पैरी मैच पर वापस लौट रहा है और ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। अत्यधिक ऊंचे दाव, बड़े इनाम, शानदार उत्सव। पैरी मैच के साथ जीत के त्योहार का आनंद ले। खेलो अभी। काम पैसा दे रहा हूँ तो मर्जी मेरी होगी, मुझे काम करने वाले चाहिए। पैसा कितना दे रहे हो? रोज के 2000 दे रहा हूँ, मेरा टाइम खोटी मत कर। ए लेके जा इसे, जा। ए गाड़ी में डाल। चल रहे। योर ऑनर, पार्वती स्लम की वजह से आज ये शहर होश में आया है। शहर की जरूरतों के लिए दूध वाला, पेपर वाला आदि इसी बस्ती से आते हैं, और जब ये गरीब लोग गायब हो जाते हैं तो प्रशासन के पास भी इसका जवाब नहीं होता है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इनके लॉयर के पास किसी भी तरह का सबूत नहीं है। केस में प्रगति नहीं होने के कारण कोर्ट फैसला लेती है कि इसके संबंधित अधिकारियों से इस केस में महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा करने का निर्देश देते हुए 12 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। वेंकट, दीपा की शादी के लिए इतना जल्दबाजी क्यों कर रहा है? तो बताइए मैं क्या करूं? कुंवारी बेटी को ऐसे कब तक घर पे बैठा के रखूंगा? लेकिन ये शादी नहीं करना चाहती। क्या कहूं, पागल हो गई है? नहीं पापा, मैं किसी और से नहीं, शिवा से ही शादी करूंगी। ठीक है, उसी से करवाऊंगा, पर वो है कहां? काम पे गए, सालों बीत गए, सारी उम्र उसके इंतजार में कुंवारी बैठी रहेगी? वो जब आए तब आए, मैं उसका इंतजार करूंगी। किसे पता वो जिंदा है भी या नहीं? तुम इस स्लम की परिस्थिति अच्छी तरह से जानते हो। देखो, रहमान को कोई औलाद नहीं है, पार्वती का कोई बच्चा नहीं है, शैलजा का भी कोई नहीं है। लोगों को इस गांव से गए हुए आज 2 साल बीत गए, किसी के घर में कोई संभालने वाला नहीं तो किसी को कोई सहारा नहीं है। जब तेरी बेटी बोल रही है उसे शादी नहीं करनी है तो तू क्यों जबरदस्ती कर रहा है? इस तरह हम कब तक इंतजार करेंगे? फैसला आते आते कहीं मर न जाए। 25 साल में पुणे शहर में कितने वकील आए और चले गए, पर हमें न्याय नहीं मिला। अब हम वकीलों पे और पैसे खर्च नहीं कर सकते, मान लेंगे कि वो मर गए। बेटी दीपा, तुम्हारे पापा जैसा कहते हैं वैसा करो, शिवा का इंतजार मत करो। तुम हमारी बस्ती की समस्या हल करने वाला कोई नहीं, और कोई आएगा भी नहीं। ये तो पुलिस का सायरन है। ए, एम्बुलेंस है यार, बाहर आ जाओ। क्यों रे कबूतर, पुलिस जीप में आने की हिम्मत नहीं थी तो एम्बुलेंस में आया है? बुरा मत मानो ना भैया, आज तक सर्विस में मैंने आपके सामने नजर भी उठाई है, ब्रांड न्यू है, खुद ही देखो।
रात को काला चश्मा पहन के आओगे तो रेनबो थोड़ी दिखेगा। पता कैसे चलेगा मैं कहाँ लेके आया हूँ? ये बिलाल का अड्डा है। बिलाल? हाँ। कौन है ये बिलाल? सर कबूतर, ट्रांसफर के बाद ये मेरा पहला केस है, थोड़ा सा समझ यार। ए, इस बारे में अगर बिलाल भाई को पता चला ना। मैं डर गया भाई, बहुत डर गया। लगा जैसे इसे धो डालेंगे। माँ कसम, इसे संभल के रहना पड़ेगा। सोन कबूतर। हाँ सर। यहाँ मौजूद इन सबको अरेस्ट करके इस गोडाउन को सीज कर ले जल्दी। मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ ना सर। खाचा। ये कबूतर। कबूतर उड़ गया सर। कबूतर फुर। बैठो बैठो, चैन से रहने कहाँ देते हो? है कहाँ है तुम्हारा नया इंस्पेक्टर? है किधर है? आए नहीं है सर। नया है तो सिंसियर होना चाहिए ना। आपको गलत फैमिली है सर। सिंसियर होता तो जरूर टाइम पर आता। वेरी मच, आपके कारण एक लंबे समय के बाद थाने आने का मौका मिला। खाली थैंक्स, गिफ्ट नहीं दोगे? मैंने पहले ही कहा था ना ये सिंसियर नहीं है। ये लो गिफ्ट, बेल पेपर्स। कबूतर, ए, बिलाल को हलाल करने की सोचा भी ना तो हम तेरी बिरयानी बनाकर सबको दावत दे देंगे। अरे ये तो छेद में घुस गया। ओ लॉयर, इस बिरयानी वाले को खाली यहाँ पे छोड़ के बाकी सबको लेके जा। इसे लाता हूँ खिला पिला के। कड़ा चाय। आप इस इलाके से सही सलामत बाहर निकल जाएं, इसीलिए हाथ जोड़ रहे हो ना सर? कुछ बातें ना बताना ही अच्छा होता है। क्या रे पूर्णा,
आज तक कोई पुलिस ऑफिसर हमारे घर के अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाया, पर ये नया वाला मैं आऊंगा क्या क्या जिद पकड़ के बैठा। राक्षस की गुफा में आ गए सर। इस यूनिफॉर्म में मुझसे बड़ा राक्षस कौन हो सकता है? देखिए यही है नया एसआई। यारे, तेरे सिर पर दो सींग है तो बिना जाने किसी को भी मारने की कोशिश करेगा? अगर मरदा ने मुछ है तो उन्हें ताव देना चाहिए, सिंह है तो उन्हें घुसेड़ना चाहिए, नहीं तो। क्या बोला था? बिलाल के लोगों को टच करके दिखा। ले टच किया, क्या करेगा? ये देख, बिलाल के सामने लाल कर दी तेरी। भाई, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे यहीं निपटा दूंगा। बुलेट्स अटैक से साइड से निकल गई, वरना इसके साथ मेरा भी नंबर लग जाता। बिलाल भाई नमस्कार, ये सब करने के पीछे एक ही वजह है, ताकि तुमसे मिल सकूं। मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर FIR, क्राइम, थ्रेट कॉल्स की कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही थी। ये सब कंट्रोल करने के लिए तुम कितना कमीशन देते थे? 10%। काफी नहीं है, 20% लगेगा। अगर नहीं दिया तो 1 रुपए की माचिस की डिबिया खरीदूंगा। बिलाल भाई के गांजा गोडाउन में आग का धमाका, सनसनीखेज खबर टीवी पे आ जाएगी। हाँ बिलाल भाई, ये थोड़ा सनकी है, हीरो है कि विलन मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आग लगा सकते हैं। तेरे हाथ से नहीं लूंगा, बिलाल भाई प्यार से देंगे तो ले लूंगा। एक सेल्फी सर, मैं भी आऊंगा सर। बिलाल भाई कंधे पे हाथ रखो। कबूतर स्माइल। इस बैग में क्या है? खुद ही देख लो, समझ जाओगे। इसमें तो पैसे, इतने सारे पैसे कहां से आए? सैलरी मिली है क्या? पुलिस वालों की सैलरी से पैंट की जेब नहीं भरती है, तो इतना बड़ा बैग कैसे भरेगा? अरे बताना कहां से आए। अरे आपने ही तो बोला था ना, ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता, इसलिए आपके बेटे विक्रम ने तिकड़म लगा के ये सब किया। वाह, मेरी मर्जी के बिना ही तू पढ़ लिख के पुलिस में भर्ती हो गया। मैं डरता था कि तू कहीं ईमानदार पुलिस वाला ना बन जाए। हमेशा ऐसा ही क्यों बोलते हो? सभी वीर महात्मा ईमानदार थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, सभी ने ईमानदारी से लड़ा, लेकिन उन्हें फांसी दे दी गई। पर माफियाओं को देखो, गन पॉइंट पर जो चाहता है वो करवा लेता है, कोई टच करता है क्या? भले ही गांधी जी दिल में रहे या ना रहे, पर उनकी फोटो वाली नोट जेब में होनी चाहिए, लाइफ मस्त रहेगी। अब देखना पापा, ये आईटी वाले सूंघ कर हमारे घर में रेड मारने आएंगे। हाँ छा जाओ बेटा, तुम्हारी होने वाली बीवी भी अगर तुम जैसी निकली तो समझो धन लक्ष्मी भाग्य लक्ष्मी दोनों हमारे घर में।
जाने दीजिए ना मैडम, मैं अकेली रहती हूँ तो दुकान संभाल नहीं पाती। जाएगा इनको। अगर ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं ना तो ये भी तुम्हारी तरह यहाँ सब्जी बेचेंगे। क्या बोलने का, इसको रोज रोज आके सताती है। स्लेट निकालो, मैं ABCD सिखाऊंगी, सबको लिखना होगा। ओके, ए बी मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ उन्हें पढ़ना चाहिए, वो काम पर नहीं आ सकते। ओ मैडम, हम भी कितनी बार बोल चुके हैं कि बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। एक दिन काम नहीं किया तो दो दिन भूखा रहना पड़ता है। हम कैसे जी रहे हैं वो हमें पता है, इनके पढ़ने से क्या होगा, ये हमारी किस्मत बदलेंगे क्या? ए रघु आजा, ए चल आजा, बहुत ही पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, चल चल आजा जल्दी। नहीं चल, बात कहां है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, रुको, सुनाने की जरूरत नहीं है, समझिए ना। अरे रोना बंद कर, ये तेरे प्याज काटने के आंसू देखकर लोग ऐसा समझेंगे कि मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया है। सर मैं प्याज नहीं काट रहा हूँ, आलू काट रहा हूँ। अरे बाप रे, आलू काटने से भी आंखों से आंसू निकलते हैं क्या? क्या कुछ नहीं, अपना काम कर तू। ये आंसू आलू प्याज काटने की वजह से नहीं है सर, मेरा दिल रो रहा है। क्या हुआ तेरे साथ? दिल की बात आपको बता रहा हूँ सर, उसके पीछे घूमते घूमते मेरा जूता तक घिस गया है, मेरे सारे लंगोट फट गए हैं, शरीर से 5 किलो वजन घट गया। भगवान की मुझ पर 50 ग्राम भी दया नहीं है सर, आप 100 ग्राम मदद कर दीजिए। तेरी मदद परमेश्वर नहीं कर पाया तो संगमेश्वर क्या करेगा, विक्रम आ गया, इसी से कहे। क्या हुआ बाबा? इस कबूतर की माँ कहीं खो गई है। अरे माँ नहीं सर, लड़की। लड़की है? अच्छा, तो तेरा रोना धोना विरह वेदना की वजह से था। तड़पती हुई जवानी है सर। आपका बेटा ढूंढने और पकड़ने में माहिर है, मेरी मदद करने के लिए बोलिए सर, वरना मैं अभी मर जाऊंगा। अरे रुक, प्राण पखेरू उड़ गया। विक्रम इसकी प्रॉब्लम सुन ले, वरना इसके प्राण पखेरू उड़ जाएंगे। ए, तू पुलिस वाला है ना, तो पैसा कमा, प्यार में क्यों पड़ रहा है? अरे आप प्यार के बारे में क्या जानो, एक बार प्यार करके तो देखिए। अबे तेरे प्यार व्यार के चक्कर में मुझे नहीं पड़ने का, चल आजा चल। बच्चे भगवान का रूप हैं, उनसे काम नहीं करवाना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। हाँ, मैंने इतनी शिद्दत से तुझको चाहा है कि इस कायनात के जर्रे जर्रे ने तुझको मुझसे मिलाने की साजिश की है। मैंने तुझे क्या डायलॉग दिया था और तू क्या बोल रहा है? मजा नहीं आया तो दूसरा ले लो। तुमने शायद पुलिस के यूनिफॉर्म पे 3 शेर देखे होंगे, चौथा देखना है, देखना है क्या तुमको? दिखाऊं 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 क्या मैं? जो दिखाया वो बहुत है, तू निकल यहाँ से, अब तू दिखा। ताव देना हो गया तो डायलॉग बोल। डायलॉग भूल गया, जस्ट थिंकिंग, डू यू हैव 30 ml? शिट, एक पुलिस वाला बनकर तुम्हें वार्निंग देनी है बस, और इतना सा काम तुमसे नहीं हो पा रहा। एक पुलिस वाला कैसा होता है जानते भी हो? मैं दिखा। तुझे सिर्फ एक वार्निंग देने के लिए कहा था, वो तो तुझसे हुआ नहीं, तू बस दो मिला सकता है। कुछी, कुछी, कुछी। कौन है ये? भतीजा। बाप रे, पर्सनल मैटर में घुस रहे। कौन हो बे तुम लोग? हम यहाँ अपनी सेटिंग कर रहे हैं और तुम बीच में मीटिंग कर रहे हो, 2 दिन में सब खल्लास हो जाएगा, दफा हो जाओ या दूध हक्का। अबे निकल बे। अगर तू साइलेंट नहीं हुआ ना तो मुझे वायलेंट होना पड़ेगा। पुलिस मतलब शेर नहीं होता, शेर का शिकार करने वाला शिकारी होता है।
लगता है मामला सेट हो जाएगा। ये तू कपड़े उतार। कौन मैं? हाँ तू दे। सेट करने को बोला था, ये तो खुद के लिए सेट करके जा रहा है। 30 ml है क्या? 30 liter पिलाऊंगा, चल निकल चीर को। ए, किसी भी तरह इन लोगों को डरा के इनके बच्चों को स्कूल भिजवा। अब देखना मेरा जलवा। इस बस्ती के बच्चों को स्कूल में ना भेजने की कंप्लेंट आई है। उन्हें पढ़ाने की बजाय उनसे काम करवा रहे हो। बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगे तो अच्छा नहीं होगा। हम नहीं भेजेंगे। हमारे बच्चे हमारी मर्जी, अपने बच्चे से काम करवाए या काम तमाम करे। बोलने वाले तुम कौन हो? क्या बोली मौसी? पुलिस आया बड़ा पुलिस। तू पुलिस वाला, इसका गारंटी क्या है? तेरी माँ की गारंटी चाहिए। अगर किसी ने 14 साल के कम उम्र के बच्चों से काम करवाया ना, तो सेक्शन 67 के तहत सबको अंदर कर दूंगा। सर आपने सही कहा, मैं इनको समझा समझा कर थक गया हूँ। मैं संकल्प, लोकल जर्नलिस्ट। हेलो सर। सर एकदम सही कह रहे हैं और मैं भी यही कह रहा हूँ, बच्चों के भविष्य का सवाल है। आज भले ही आप लोगों को हमारी बात सही ना लग रही हो, पर एक दिन आप हमें जरूर समझेंगे। उस दिन आपको अपने बच्चों पर गर्व होगा। Are you happy? आपकी खुशी में मेरी खुशी है। दिल का
अर्चना चलो वन टू थ्री हो जाए अर्चना। सर्च करें पैरी मैच दुनिया का नंबर वन गेमिंग ऐप। एंजॉय करें 5000 से ज्यादा स्पोर्ट्स स्लॉट्स और लाइव कैसीनो गेम्स। हैश वन रेटेड ऐप जहां है बेस्ट वीआईपी ऑफर्स और सबसे तेज विथड्रॉल्स। अभी साइन अप करें, यूज करें फिल्म प्रोमो कोड और पाए धमाकेदार 500% वेलकम बोनस 1,00,000 तक। पैरी मैच के साथ जीत के त्योहार का आनंद लें, अभी खेलें। घाट पुलिस स्टेशन का ऐसा ही कोई सुभाष है, हमारी लॉरी है, ये बोलने के बावजूद उसने उन्हें सीज कर लिया। उग्रा भाई आने की तकलीफ क्यों की? मैं खुद आया था। तुलसी घाट पुलिस स्टेशन का ऐसा ही कौन है? उग्रा भाई के आदमियों के बताने के बावजूद लॉरी को रोका, इतने हिम्मत तो चुने। आपके बारे में नहीं जानता, नया है, छोड़ दीजिए। बस है पालतू ही तो है, आज भौंक रहा है कल काट सकता है, इसलिए मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि ये मेरे कहने पर भौंके। मेरी कार निकलने से पहले जिन लॉरीज को सीज किया उन्हें छोड़ दे, वरना तेरी वर्दी तो बचेगी लेकिन तू नहीं बचेगा। यहाँ कहाँ कहाँ लेकर जा रहा है माँ को? माँ को आश्रम में छोड़। आश्रम 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 में भेजेगा माँ को आश्रम में भेजेगा। खबरदार, अगर माँ को यहाँ पर दोबारा लाने की कोशिश भी की ना, इसको क्या देखा है, समझ में नहीं आ रहा है। चल बैग उठा, उठा, चल उठा जल्दी और निकाल, निकला निकला चला। ये अचानक क्या समाज सेवा के काम करने लगा? सर 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 ये लीजिए सर, थैंक यू सो मच सर। ये कैसी सौदेबाजी, इसने दिया आपने ले लिया, ये हो क्या रहा है? अरे पिछले एक साल से उसकी बीवी बहुत परेशान कर रही थी कि माँ को आश्रम में छोड़ दे या फिर मुझे तलाक दे दे, आश्रम में छोड़ दे या तलाक दे दे। उसने सॉल्यूशन मांगा, अपुन ने कमीशन दिया, बस। वाह, पैसे तो लेते हैं पता है, लेकिन अच्छे काम के भी ले लिए। इसको बोलते हैं जुगाड़ू, सेटिंग बाज, टोपी बाज। ऐसा इंस्पेक्टर देखा नहीं है लाइफ में। आ रहा हूँ, क्या बजाते रहते। इस बार जब चोरी करेगा तब गाड़ी का नंबर भी याद कर देना। पहले गाड़ी से नहीं छोड़ते सर, खड़े हैं, तू गाड़ी पे बैठा है, बता। सर रो ना सर, जाने दो ना सर। और तू टिकट भाड़ा दे रहा है, चल जल्दी से खाता खाली कर। अरे ये क्या काफी होगा हमारे सर को। हाय, अरे तुम इधर। अरे सर, अरे कहाँ लेके जा रही हो? मैंने तुझे अच्छे काम के लिए यूनिफॉर्म दिया था और तू इसका फायदा उठा रहा है। चल मेरे साथ। ये सब क्या चल रहा है, सोशल मीडिया या सोशल लाइफ, हर जगह लड़कियों का ही बोलबाला है। जल्दी उतर। हाँ? शर्ट उतर। पैंट भी खोल। क्या हुआ? ये
कपड़े पहन ले। दीदी। हेलो, कौन है ये? माय सिस्टर। हाय। ओवर एक्टिंग मत कर। खेलेंगे प्लीज बोल दे दो अंकल। बैट उठाकर तेरी खोपड़ी पे मारूंगा। निकल। चाहिए वो टीचर। बच्चों के बैट बॉल वापस करो। नो प्रॉब बेबी, बैट बॉल दे देंगे, लेकिन हम किसके साथ खेलेंगे? अगर तुम हमें खेलने दोगी तो ठीक है। का जरूरत नहीं है, पुलिस को फोन मैंने ही किया था। ए, तू सच में पुलिस वाला है क्या? अबे चुप रहना, असली पुलिस से पुलिस की पहचान पूछती है? दिमाग में वायरस हो गया है क्या? तुम पुलिस वाले हो तो पहले बताया क्यों नहीं मुझे? बताने ही वाला था। बताने का मौका किधर दिया, जब देखो तब हाथ पकड़ के यहाँ वहाँ ले जाती है। तुमने जानबूझकर मुझसे छुपाया था ना? पिछले जन्म में ये तेरा सास था ना, इसलिए जानबूझ के कर रहा है। आई बड़ी, चल निकल। ए अर्चना, ए जो चीज मेरी ना हो वो चीज सैंडविच कोई और कैसे खाएगा? जल्दी जल्दी कर।
बच्चे घर जाऊंगी कहकर भागने की कोशिश कर रही थी। सालों से यहाँ न जाने कितने बच्चे पैदा हुए और मर गए। तेरी माँ भी तो यहीं पर मर गई। इतने लोगों में तेरा बाप कौन है? तू ये भी तो नहीं जानती कहाँ जाएगी भाग के, कहाँ जाएगी रे? मुझे जा नहीं, यहाँ से छोड़ो मुझे। बात तेरी समझ में नहीं आ रही? नहीं 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 मालिक, नहीं मत करो, छोड़ दीजिए। छोटी बच्ची है, माँ सहन नहीं कर पाएगी। ओ, ये सहन नहीं कर पाएगी, बदले में तू मार खाएगी। मेरे साथ चल। सही मौका है, मेरे साथ कौन चलेगा? भाई, जिसने यहाँ से भागने की कोशिश की वो मारा गया, इतने जल्दी बोल गया? वो सब बदकिस्मत लोग थे, इसलिए पकड़े गए। और यहाँ रहना भी मौत से बदतर है। मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, लेकिन इस हालत में नहीं आ सकती। इस नरक में हम आस लगा के बैठे हैं कि यहाँ कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे। मैं यहाँ और हरगिज़ नहीं रह सकता। तो बोलो कौन चलेगा मेरे साथ? डर डर के मरेंगे ये लोग। अरे वासु, तू मेरा साथ देगा ना? के मालिक हम है, यहाँ सिर्फ हमारी हुकूमत चलती है। यहाँ लोग जिंदा तो आते हैं लेकिन जिंदा वापस नहीं जाते। कल रात यहाँ से किसी ने भागने की जुर्रत की, मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा, वो जो भी है खुद मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। तुम्हारी जिंदगी की किस्मत अगर वो भगवान लिख सकता है तो तुम्हारी मौत मेरी यह बंदूक लिखेगी।
छुपे हुए कीड़े को बाहर कैसे लाना मैं जानता हूं। के लिए ही भागने की कोशिश की थी ना, अब जाओ ऊपर और मिल ले उससे। सब कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने भी दंडका से भागने की कोशिश की तो उसकी मौत इतनी भयानक होगी कि देख के तुम सबकी रूह कांप जाएगी। जाओ यहां से। डगर डगर आंधी सारी सांसें रुकी बंधी कोई राह दिखा दे दीप जला दे सफर सफर काटे आखिर किससे ये गम बाटे रब्बा राह दिखा दे रिहाई दिला दे हर पंछी उड़ जाए निकल यहां से चल। ए जल्दी कर, जल्दी कर। या
क्या हुआ? गलती हुई है, मुझे मार दो मालिक। क्या हुआ? कल रात किसी ने भागने की कोशिश की थी, मैंने उसे मार दिया, लेकिन और एक भाग जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। दंडका से हवा को भी गुजरने के लिए मुझसे अनुमति लेनी पड़ती है। जो आदमी भाग गया उसकी लाश मेरे कदमों में होनी चाहिए थी, और तू मुझे उसकी खबर देने के लिए आया है। जिसने यहां से भागने के लिए सोचा, उसके टुकड़े टुकड़े करके मेरे पैर के सामने रखने की बजाय सिर झुकाकर बैठा है। मुझे लाश चाहिए, पर तेरी नहीं हरामखोर, उसकी जो भागा है उसकी लाश चाहिए मुझे। उग्रा, पहली बार दंडका से किसी ने भागने की हिम्मत की है। जब तक उसकी सांस नहीं रुकेगी तब तक मुझे भूख नहीं लगेगी। सही था इसलिए पकड़ा गया, वरना तू तो अंधेरे का फायदा उठा के निकल जाता। मालिक मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माँ से मिलना है। तुझे छोड़ दे? अगर तुझे छोड़ दिया ना तो तू उस दंडका के बारे में पूरी बस्ती में ढोल पीटेगा ना। नहीं मालिक, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो फिर तू वहां से भागा क्यों? बचपन में ही मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे अलावा मेरी माँ का और कोई नहीं। 15 साल से दंडका में था, अब वहां से निकल पाया। अब तो मेरी मां बूढ़ी हो गई होगी। बस एक बार मैं अपनी मां को देखना चाहता हूँ। उस दंडका से भागने वाला तो पहला मर्द है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। चल निकल। उग्रा, हाँ दीदी, क्लाइमेक्स तो हिलेरियस था।
इधर आ। तेरी बहादुरी के लिए हम तुझे एक तोहफा भेंट करना चाहते हैं। सॉरी दोस्त, मैं इससे बड़ा तोहफा दे नहीं सका। वो दोनों कौन है? ए इंस्पेक्टर, मर्डर हमने नहीं किया, उसी ने किया है। सर ये झूठ बोल रहा है। हमने देख लिया तो इसलिए भाग रही थी। अगर सबूत चाहिए तो इन सब से पूछ ले। नहीं सर, इसने उसे मारा, मैंने खुद देखा। अरे आप टेंशन मत लो, मैं उन्हें देख लूंगा। ए इधर आ। मैडम आप गाड़ी में बैठिए। अरे बैठिए ना। पर मैं क्यों सर? टेंशन मत लीजिए मैडम, मैं हूं ना। चलिए आप अंदर बैठिए। इंस्पेक्टर नमस्ते, मुझे पहचाना? हम उस दिन बस्ती में मिले थे ना, जर्नलिस्ट संकल्प हूं सर। मेरे पास एक इम्पोर्टेंट वीडियो है सर, इसे देखिए। अगर तुझे छोड़ दिया तो तू दंडका के बारे में। अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना तो बड़ा राज बाहर आ जाएगा। अच्छा वीडियो है। थैंक यू सर। चलो बैठो गाड़ी में। इस लड़की को लॉकअप में डाल दो। सर? यस सर। ए चल। सर आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे क्यों अंदर डाल रहे हैं? अब तू मुझे सिखाएगी। पुलिस सूम के अपराधी पहचान लेती है। चल। मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने बस देखा था। ए, मर्डर तूने किया या किसी और ने किया ये कोर्ट फैसला करेगी, तू नहीं। चल 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 सर। सर मेरी बात सुनिए प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज सर सर सर। सर आप यहाँ क्यों लेकर आए हो सर? बात क्या है? पुलिस स्टेशन में क्या है? आओ यही मामला सेटल करते हैं। बिलाल भाई अचानक आए हो तो जरूर कोई सरप्राइज गिफ्ट लाए होगे। ये कौन है? नया आइटम है क्या? उग्रा प्लीज, उग्रा उग्रा छोड़ दो, ये अपना ही आदमी है। प्लीज प्लीज विक्रम, तू जानता नहीं ये कौन है? उग्रा भाई,
तुझे हम जो दक्षिणा देते हैं ना, वो सब इस भाई का ही है। अरे भाई किधर ले क्या? सर आप क्या कर रहे हो, आपको जरा सा भी अंदाजा है? शौक लग गया, टेंशन मत ले, ये सब अपने ही लोग हैं, कितना चाहिए बात करके सेटल कर ले। इसको कितना चाहिए नहीं, यही हमें चाहिए, तू इसे छोड़ के निकल। सर, स्मार्टफोन है तो यूट्यूब वीडियो फ्री में बना के सबको मर्डर लाइव दिखाएगा क्या? ठीक नहीं किया। वेरी टेस्टी। टेस्टी क्यों नहीं होगा, कितने प्यार से बनाया है तेरे इस पापा ने। खाले खाले खाले। ओ, लगता है तुझे कोई याद कर रहा है। बेटा अगर छोटी हिचकी आती है तो कोई आदमी याद करता है, और अगर बड़ी हिचकी आती है ना तो फिर जरूर कोई लड़की। ए, जाके देख तू। खांडेलकर सर ने FIR फाइल किया है सर। क्या विक्रम भाई, इस बार क्या गिफ्ट लाए हो? जो भी दिया वो लेने आया हूँ, और जो पैसे लिए थे वो लौटाने आया हूं। जो जर्नलिस्ट तुम्हारे पास है उसे वापस ले जाने के लिए आया हूं। पुलिस को अगर बिलाल एक बार पैसे देता है तो वापस नहीं लेता। वैसे उस आदमी का क्या करोगे? अब तक मैंने आपकी बहुत मदद की है भाई, लेकिन बस इस बार मेरी मदद कर दो। अब इन पैसों से भी ज्यादा वो आदमी इंपॉर्टेंट है। ए, किसकी खोपड़ी है क्या तू? उस आदमी को उग्रा अपने साथ ले गया, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तू ये तमाशा छोड़ के जाके अपनी ड्यूटी कर। नो सेकंड थॉट, वो जर्नलिस्ट मुझे चाहिए। अगर तू वहां गया तो तेरा सामना असुरा से होगा। असुरा हो या एनाकोंडा हो या फिर उसका बाप भी बीच में आ जाए, जर्नलिस्ट को लेकर ही जाऊंगा। कोई पुलिस वाला यूनिफॉर्म में मेरे घर आया है। वेलकम इंस्पेक्टर, वेलकम। उग्रा भाई, जो पैसे आपने दिए थे वापस कर दिए, मुझे संकल्प चाहिए। यमराज जिसे बुला लेता है उसे वापस नहीं करता है। मेरी वजह से किसी बेकसूर लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए।
इसलिए उसे वापस करके एक बार मदद कर दो भाई। अगर नहीं किया तो करोगे तो अच्छा ही है, वरना मुझे पुलिस के लिए दिखानी पड़ेगी। तू जानता तो किससे बात कर रहा है? ठोकता हूं तो बायोडाटा नहीं दिखता, सब कुछ एलिजिबल है। चल बे साले। We'll be right back.
उग्रा को उसने क्या हुआ उग्रा को? वो पुलिस वाला उग्रा के लिए यमराज बन चुका है। अगर उस जर्नलिस्ट को वापस नहीं किया तो उसकी नरक की टिकट पक्की है। क्या बक रहा है बिलाल? फोन करके आप खुद ही पूछ लो भाई। जीत का एकमात्र त्योहार पैरी मैच पर वापस लौट रहा है और ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। अत्यधिक गूंजेदार बड़े इनाम शानदार उत्सव पैरी मैच के साथ जीत के त्योहार का आनंद ले। खेलो अभी। डैडी उग्रा डैडी क्या हुआ तुझे? उग्रा बता क्या हुआ तुझे? उस जर्नलिस्ट को वापस कर दो डैडी, वरना ये मुझे मार देगा। ए, तू असुरा के साथ पंगा ले रहा है। तूने मेरे बेटे को छूकर अपनी मौत को बुलाया है। तू भूल रहा है, मौत को बुलाने वाला मैं नहीं तेरा बेटा है। अगर उस जर्नलिस्ट को नहीं छोड़ा ना तो तेरा बेटा गया। बहुत बेरहम होगी तेरी मौत। मैं रेडी हूँ, अगर तू भी रेडी है तो आजा साले। उसे छोड़ दे। तू उसे छोड़। तेरी मर्जी के बगैर हवा भी नहीं जाती, यही कहा था ना? लेकिन तूने आज खुद किसी को यहां से बाहर भेजा। तेरा शरीर कांप रहा है, कहां गया तेरा गुस्सा? डर लग रहा है? ये तो सिर्फ शुरुआत है, तेरे पतन का समय अब आ गया है। आपने ही फंसाया था और आपने ही मुझे छुड़ाया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं सर। तुम्हें उनके बीच फंसाने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। I'm sorry। लेकिन आपकी उस गलती की वजह से एक सच सामने आ गया। हमारे बस्ती के लोग अभी भी जिंदा हैं। संकल्प
इज इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन इंस्पेक्टर। पेशेंट आपसे मिलने की जिद कर रहा है, बोला कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन उसे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ओके डॉक्टर। उस आदमी का खून किया था, इस सच को कहीं भी बताने के लिए तैयार हूं सर। इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ लीजिए सर। जर्नलिस्ट संकल्प के इरादतन मौत के बयान की जांच करने पर यह स्पष्ट हो गया है कि अर्चना पूरी तरह से निर्दोष है। इस केस पर विचार करने के बाद कोर्ट ये फैसला लेती है कि सब इंस्पेक्टर खांडेलकर को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है और इस हत्या के मुख्य आरोपी उग्रा को अरेस्ट करने की जिम्मेदारी ये कोर्ट एसआई विक्रम को देती है। हेलो, वालों को लोगों की रक्षा करनी चाहिए। अगर वही हमारी जान ले ले तो हम हमारी रक्षा के लिए किसके पास जाए? हम जो इस बस्ती का दीपक था बुझा दिया तुमने। आप लोगों से मैं माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं। मैंने जो गलती की है उसके लिए आप जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है। सजा देने से मरा हुआ वापस आएगा क्या? पुलिस सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों की एक भी नहीं सुनती है पुलिस। चलते वहाँ। कल्प ने मरने से पहले एक बात बताई थी काका, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ सर। पिछले कुछ सालों से कोर्ट और पुलिस डिपार्टमेंट जिन खोए हुए बस्ती वालों की तलाश कर रहे हैं वो जिंदा है। इंस्पेक्टर, व्हाट आर यू डूइंग? इज इन सीरियस कंडीशन, प्लीज कम। डोंट डिस्टर्ब सर, प्लीज। हमारे लोग जिंदा है पर कहां कहां है वो लोग? ये बताने से पहले ही वो मर गया। आखिर वो 1200 लोग गायब कैसे हो गए? एक समय था जब हम बस्ती में मेहनत करते हुए भी आनंदी जीवन बिता रहे थे। एक दिन सरपा आया और सैकड़ों लोगों को जंगल में ले गया, इस आशा से कि भी अधिक भुगतान करेंगे। जो चले गए वे वापिस नहीं आए। सालों बीत गए। कुछ वर्षों के बाद उसी जंगल से एक जानवर शहर में घुस आया। लगता है यहां कोई नई चेक पोस्ट बना डाली। लॉरी में क्या है? इसमें बिस्किट है सर। चलो चलते हैं, चेक करते हैं।
सर, मैं एक ड्राइवर हूँ सर, ड्रग्स के बारे में मुझे नहीं पता। कांस्टेबल सर, लॉरी को सीज करके इन सबको अरेस्ट करो। यस सर। सर, हमारे बॉस असुरा। ए, बॉस मारी के। जब तक इंस्पेक्टर लॉरी को चेक नहीं कर लेता तब तक अपना मुंह तुझे बंद रखना चाहिए था। सॉरी बॉस, गलती हो गई। ओ, एविडेंस। काशी राव, तुम्हारी ईमानदारी से डर कर तुम्हारे डिपार्टमेंट ने तुम्हें इस घने जंगल में ट्रांसफर कर दिया। फिर भी इस ईमानदारी पर अब भी कैसे विश्वास कर सकते हो? घर पर तुम्हारे बच्चे तो होंगे ना? कॉन्स्टेबल तावड़े, पता है तुम्हें क्या चाहिए? एक कलर टीवी। जा, एक कलर टीवी के साथ नेकलेस फ्री दिया। कॉन्स्टेबल महंती, चलो तुम्हें भी फ्रिज के साथ एक नेकलेस फ्री दिया। आप हम सबके बारे में कैसे जानते हो कौन आप? सहस्त्राक्ष में दसों दिशाओं को एक साथ हजार आंखों से देखने वाला सहस्त्राक्ष हूं मैं। असुर हूं मैं, रावणासुर हूं मैं। सरकार तुम्हें पगार देती है पर मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। आज से तुम सब लोगों का मैं हूं असली सरकार। काशीरा, मेरा ड्राइवर मर गया तो क्या मेरे ट्रक को? कोकेन, गांजा, हेरोइन, सब ड्रग्स मिलाकर दो दो ट्रक लाया हूं। दो ट्रक ड्रग्स? दिमाग ठिकाने पे है? अगर पुलिस पकड़ लेती तो? अरे पुलिस खुद ही ड्राइविंग करके लेके आई है, देखिए ना। सुनो, इस ड्रग्स के धंधे में तुम नए हो, समझे? ऐसी हरकतों से जान जा सकती है। अगर तू मेरे लिए काम करेगा तो चांद तक जाएगा। अब तू ही बता, तुझे चांद तक जाना है या तारा बनना है? अब से इस पुणे शहर पर राज सिर्फ एक ही आदमी करेगा, मैं असुरा। यहीं से उसकी अराजकता शुरू हुई। एक कॉल रिंग देना। सुन, लाल महल तक माल पहुंचा देना। ओके भाई। कोई दिक्कत हुई तो आप उनको फोन करना। ठीक है भाई। जिसमें आग लगी हुई है। कमाल है तू। लेकिन मुझे तेरा कॉम्प्लीमेंट अच्छा नहीं लगा। इनके बॉस का किसी ने एनकाउंटर किया है मैडम, स्पॉट पर जा रहा हूँ।
मर्डरर का चेहरा देखकर उसे पहचान सकते हैं। नहीं मैडम। तो फिर कैसा केस? कांस्टेबल को भेजकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवा दो। ओके मैडम। देखो बेचारा सांबा, कितने लोगों की जान ली थी इसने, लेकिन एक ही बुलेट ने इसकी जान ले ली। भाई कौन है वो? मार्केट में एक नई एसीपी भवानी आई है। परमिशन के बगैर घर में घुसा है सारी। अगर इस सिटी में कोई भी पुलिस ऑफिसर आता है तो पहले इनके दर्शन करता है, उसके बाद पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन करता है। पर आप वो पहली हैं जिसने पहले ड्यूटी ज्वाइन कर ली और शहर के देवता के दर्शन बाद में किए। एनी हाउ आई जत लेडीज मैडम। मैं तुम्हें भी जानती हूँ और इस असुरा को भी जानती हूँ। अच्छा तो जानबूझकर इस शहर में आई हूं। पैंट शर्ट पहनकर कोई औरत मर्द नहीं बन जाती। अरे अच्छी साड़ी पहन रखी है, माथे पर बिंदिया लगाई है। घर का कामकाज करो, पति का ख्याल रखो। औरत जब पैंट शर्ट पहनती है ना तो ज्यादा पावरफुल लगती है, और जब मर्द साड़ी पहनता है तो दुनिया के सामने तमाशा बन जाता है। क्या कॉन्फिडेंस है। वैसे तुम्हारा पति भी एक पुलिस ऑफिसर है ना? सब इंस्पेक्टर शंकर नागरे, कहाँ है वो? अरे रे, ये तो घर में है, इन्हें कैसे पता होगा कि इनके पति हलवाई गणपति टेंपल गए हुए हैं। क्या बोलती हो, सही सलामत लौटेगा? हेलो। हेलो, ऐसे ही शंकर नागरे हैं वहाँ? आप कौन? मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। सर कुछ देर पहले ही हलवाई गणपति टेंपल गए। डर कैसा लगा? इस शहर में जब तक रहोगी इस डर के साए में ही जियोगी। असुरा, अगर तुमने फिर कभी मुझे डराने की कोशिश की तो मेरी एक बात याद रखो, अगर मैंने तुम्हें डराने के बारे में सोच लिया ना तो तुम इस शहर में टिक नहीं पाओगे। गीदड़ की तरह शहर छोड़कर भाग जाओगे। अच्छी लगी। भवानी तुम ठीक तो हो ना? बात क्या है, वो लोग यहाँ क्यों आए थे? वो सब छोड़िए भवानी, मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पोस्टिंग होते ही तुरंत किसी के खिलाफ एक्शन मत लेना। घर की सफाई के लिए मुहूर्त का इंतजार करते हैं क्या? सिर्फ बात हम दोनों की नहीं है, हम तीन होने वाले हैं। ईमानदार लोगों का डर बुरे लोगों को और ताकतवर बनाता है। वैसे भी तुमने मेरी कब सुनी है। चलो दिस इज द प्राइमरी चेक पॉइंट एंड ऑल द ट्रैफिक कम्स फ्रॉम दिस साइड। ओके, सिटी को ड्रग्स कहाँ से सप्लाई होती है पहले ये ट्रेस करो। ओके ओके मैडम। क्या चाहिए बेटा? मैं इंस्पेक्टर से मिलना चाहता हूँ मैडम। क्यों मिलना है? कंप्लेंट लिखवाना है। क्या घूम गया? मेरे पापा कहीं खो गए हैं।
सर्च करें पैरी मैच, दुनिया का नंबर वन गेमिंग ऐप। एंजॉय करें 5000 से ज्यादा स्पोर्ट्स स्लॉट्स और लाइव कैसीनो गेम्स। हैश वन रेटेड ऐप, जहां है बेस्ट वीआईपी ऑफर्स और सबसे तेज विड्रॉल्स। अभी साइन अप करें, यूज करें फिल्म प्रोमो कोड और पाए धमाकेदार 500% वेलकम बोनस 1,00,000 तक। पैरी मैच के साथ जीत के त्योहार का आनंद लें, अभी खेलें। इस बच्चे ने थाने में आकर इसके पापा के गायब होने की कंप्लेन की है। यहाँ इस बच्चे के पापा, सिर्फ इस बच्चे का पिता नहीं, इस बस्ती के लगभग 1200 से ज्यादा लोग लापता हो गए। हाँ बेटी, काम के लिए गए हैं, वापस नहीं आए। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ हैं। उनके इंतजार में कई साल बीत चुके हैं। इस बस्ती का सरपंच होने के नाते मैं पुलिस थाने गया, एमएलए से मिला, न जाने कितने लोगों के पैर पड़े, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। शंकर मैडम, वो सरपा 5 मिनट के अंदर मुझे यहाँ चाहिए। यस मैडम। आप सबसे आज वादा करती हूं, वो जहां भी है मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। अर्जेंट मीटिंग बुलाने की वजह? सर, भवानी नए ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए परमिशन मांग रही है। किस लिए? पार्वती वसाहत से तकरीबन गायब हुए 1200 लोग और ड्रग माफिया के बीच में जरूर कोई गहरा कनेक्शन है, ऐसा मेरा मानना है। उनके गायब होने के 3 महीने बाद पूना सिटी में ड्रग्स की सप्लाई में बहुत तेजी हुई है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है सर। स्पेशल परमिशन लेकर ड्रग्स माफियाओं के नाम पर आप किसी को भी गिरफ्तार करोगी, और यहाँ होम मिनिस्ट्री में बैठकर पत्रकारों को, विपक्ष को मुझे जवाब देना होता है। ऐसी बात नहीं है सर। एक्चुअली बात कुछ है ही नहीं भवानी, ड्रग्स माफियाओं पर कंट्रोल बनाकर रखो, कुछ चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है। मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट प्रवलिका आपकी ग्रैंड डॉटर है। सिर्फ आपकी पोती नहीं सर, देश के बहुत सारे डॉक्टर और इंजीनियर्स ड्रग्स के आदि होकर बर्बाद हो रहे हैं। आपके कहने से अगर हमने इस मामले को अभी नजरअंदाज किया तो हमारी आने वाली जनरेशन किसी काम की नहीं बचेगी। आपने कड़ी मेहनत से जो करोड़ों की संपत्ति बनाई है, उस संपत्ति की एक लौती वारिस अगर ड्रग एडिक्ट बन जाए तो आप सह पाएंगे? तुम्हारा प्लान क्या है? पार्वती वसाहत से गायब हुए लोगों के केस में असुरा और उसके गैंग का हाथ है, और वो जहाँ कहीं भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ कर निकालूंगी सर। ऑटोमेटिकली ये ट्रक का सिलसिला बंद हो जाएगा। ओके। वहाँ से उसने केस दर्ज कराया और शहर में नशे के सौदागरों का पीछा करना शुरू कर दिया। असुरा भयभीत होकर नगर छोड़कर भाग गया। भवानी माँ गोद भराई के लिए अपने गांव गई, फिर कभी वापस नहीं आई। उसी दिन से मामला कोर्ट में चल रहा है। इसने उसके लिए संघर्ष किया, आखिरकार इस अनाथ का अंतिम संस्कार कौन करेगा पता नहीं।
तू यहाँ अकेले क्या कर रहा है? लगता है तुझसे कोई बड़ी गलती हो गई है। जो शिक्षा आपने मुझे दी है वो सही नहीं है पापा। मैंने? आपने बचपन से मुझे यही सिखाया है कि ईमानदार मत बनो। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी ईमानदार लोगों को देखा है, या तो उन्होंने मुश्किलें देखी हैं या फिर अपनी जान गंवाई है। सुख हासिल करने के लिए नैतिकता और ईमानदारी के रास्ते से हटना ही पड़ता है। झूठ कुछ ही पलों का सुख देता है, पर सच्चाई में हमेशा की खुशी है। अब तक आपने पुलिस की यूनिफॉर्म में जिस विक्रम को देखा है, अब से वो मर चुका है। एक मैच बॉक्स दे। मैं सोच रही थी कि तुझे शादी कर लेनी चाहिए। बड़ी बहन होते हुए मैं किससे शादी कर सकती हूँ? उम्र कम है पर बात समझदारी की कही है। बेटी, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बन जाओ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ कर फैसला। सुना है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। ड्रग्स लेकर आने वाले ट्रक चिंचोली फॉरेस्ट चेक पोस्ट से ही पास होते हैं। सर, चिंचोली चेक पोस्ट से आने वाले ट्रक्स की लिस्ट है। गाड़ी यहाँ से गुजरी है क्या? चेक करो। तुम कौन हो? सब इंस्पेक्टर। किस्मत वाले हो, आसान मौत मरोगे। मालिक, हमारे मरने के बाद
हमारी लाशों को हमारे घर तक पहुंचा देना। कम से कम हमारी ये आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। तुम्हारी आखिरी इच्छा कैसे पूरी करूं? तुम यहाँ सजा काटने वाले कैदी नहीं हो, नकारा बुढ़े हो। जब तकलीफ बर्दाश्त ना हो तो मौत से बढ़ के कोई आजादी नहीं। वही आजादी तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वाला हमारे दंड का भी आ गया है मालिक, अपने लोगों को भी उसी ने मारा है।
बकाया में किसी ने घुसपैठ किया है। मैं जानता हूं कि तुम्हें उसके बारे में पता है। बता दो कि वो कौन है, या तो उसका नाम बता दो वरना सब के सब मारे जाओगे। यहाँ जिंदा रखने से अच्छा है मार दो, मार दो हमें। क्या बे, जबान तेज चल रही है। हम कुछ नहीं जानते हैं। स्टेशन में होना चाहिए। स्टेशन तेरा, दंड का मेरा। यहाँ आने के बाद भगवान से एक बार पूछ सकता है, लेकिन असुरों से नहीं। कुछ साल पहले ये भी एक पुलिस ऑफिसर थी, इस असुरा से टकराने के बाद सजा भुगत रही है, और तूने तो मेरे बेटे को छुआ है। ए उग्रा, इसके ऊपर चाबुक बरसाते रहे, और जब ये मौत की भीख मांगे तो इसे गुलामों में शामिल कर देना। देख लो अपनी आंखों से मुझ पर भौंकने वाले का मैं क्या हश्र करता हूं। Oh!
भवानी मैडम। संगमेश्वर संगमेश्वर तुम यहाँ कैसे है? मेरा बेटा कहाँ है? बोलो मेरा बच्चा कहाँ है? अपने हाथों से जिसे पानी पिलाया वही आपका बेटा है। विक्रमार्का, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, कोरेगांव पुलिस स्टेशन। मैंने इसे समझाया था कि पुलिस की नौकरी आसान नहीं। आप ही का खून है ना? अभी तक मुझे इस बारे में बताने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, लेकिन आज मुझे बताना ही होगा। तुम मजाक में पूछते थे कि मैं सच में तुम्हारा पिता हूं कि नहीं। मैं नहीं हूं, तुम्हारे पिता थे सब इंस्पेक्टर शंकर नागरे और पुणे शहर की गुंडों की यमराज, ये है एसीपी भवानी शंकर नागरे, तुम्हारी मां। क्यों मारे उसे? कौन है वो? ये चिंदी चोर है मैडम, साइकिल चुराता है ये। बाहर सब इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, उन्हें छोड़कर तुम इस चिल्लर को पकड़ कर लाए हो? छोड़ दो इसे। इस चोर को तुम्हारी माँ ने एक अच्छा इंसान बना दिया। मैं तभी से भवानी शंकर के घर में उनके परिवार का हिस्सा बन गया। भवानी मैडम की डिलीवरी के लिए शंकर सर उन्हें उनके मायके छोड़ने जा रहे थे। इस शहर में कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी मर्जी से आता है, लेकिन जाना कब है ये असुरा तय करता है। उठाओ रे। भवानी तुम संगमेश्वर के साथ निकलो। हम भला इससे क्यों डर रहे हैं? भवानी ये लड़ाई का टाइम नहीं है, तुम भूलो मत, तुम्हारी कोख में एक बच्चा पल रहा है। भवानी मैं जो कह रहा हूँ वो करो। जला
ना, मेरे से पंगा मत लेना। तू मुझे जेल भेजना चाहती थी ना, अब जेल क्या होता है मैं तुझे बताऊंगा। सफर क्यों जाता है ठहर माँ, रुके ना समय क्यों आए ना सहर की तरह नहीं, जानवरों की तरह रह रहे हैं। बरसों से सवेरा नहीं देखा, लेकिन तुम हमारे लिए सवेरा बनकर आए हो। आपको देखकर लग रहा है अब हम सब अपनों से मिल पाएंगे। इससे पहले कि वो हमारी शक्ल ना पहचान पाए, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपने लोगों से मिल पाऊं। इस जन्म में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे माँ का प्यार मिलेगा। उस माँ की कसम खाकर आज मैं कह रहा हूं, असुरा और उसके साम्राज्य को खत्म करके आपको आपके परिवार तक पहुंचाऊंगा। हाँ।
है तेरा बेटा। सालों से मेरे दिल में जो आग थी उसे इसे दिन का इंतजार था। आज शिव जी ने इस बदकिस्मत माँ की पुकार सुनकर तांडव मचाने बेटे को भेज दिया। तो बुला ले उसे, आज माँ और बेटे की चिता एक साथ जलेगी। उस वक्त तो इसलिए बच गया क्योंकि वो मेरे पेट में था, लेकिन अब वो सामने आ चुका है, अब तू नहीं बचेगा। धधकते लावा को तू नहीं रोक सकता।
शिवजी ने तेरे बेटे को तांडव करने के लिए भेजा था ना, क्या हुआ? किसी माँ का वीर बेटा अगर शहीद हो जाए तो उसे गम बिल्कुल नहीं होता। छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई ही मेरी प्रेरणा है। विक्रमार्का, आसमान में गिद्ध मंडरा रहे हैं, इस दंडका को खून से नहला दे।